हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 में आज खेला जाने वाला है मैच नंबर 42, जो कि आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में होगा। आरसीबी के लिए लगभग सारे के सारे मैचेस जो है वो नॉकआउट मैचेस हैं, सारे के सारे मैचेस उनको जीतने अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है। वहीं अगर हम देखें तो किंग्स इलेवन पंजाब ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, कुछ मैचेस इनको जीतने हैं प्लेऑफ में जाने के लिए, पर लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में बहुत अच्छा खेले थे, लास्ट में जाकर के इन्होंने कुछ खास किया नहीं और लास्ट के कुछ लगभग सारे मैच हारे थे और फिर प्लेऑफ तक नहीं पहुँच पाए थे। इस साल भी केएल राहुल और अगर हम देखें क्रिस गेल दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं। केएल राहुल बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, जैसा कि मैंने टूर्नामेंट के शुरुआत में ही कहा था कि ये प्लेयर पे नज़र रखना, वो रन्स करेगा, आगे भी एक बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है इंडिया के लिए। खैर जब तक धवन और रोहित शर्मा, तब तक तो इतने मौके नहीं मिलेंगे केएल राहुल को इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहीं अगर हम देखें वेन्यू में चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच होने वाला है, जो कि आप सबको पता है सबसे फेमस ग्राउंड भी आप कह सकते हो इंडिया में, जो कि आप देख सकते हो आरसीबी का है, क्योंकि रन्स यहाँ पर बहुत बनता है, बहुत बॉल ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा छक्के लगना, बहुत मिस हिट भी जो होता है वो भी आराम से छक्के जाते हैं और ग्राउंड से बाहर तो बहुत छक्के गए हैं। एम एस धोनी ने कम से कम 5-6 छक्के तो स्टेडियम से बाहर मारे हैं। क्रिस गेल जो कि यहाँ पर पले बड़े हैं, शुरू में अगर हम देखें आईपीएल के, अगर हम देखें तो यहाँ पर कम से कम 7-8 सीज़न खेले हुए हैं और बहुत छक्के इन्होंने ग्राउंड से बाहर मारे हैं। तो एक हाई स्कोरिंग मैच जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन, हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें टोटल आईपीएल मैचेस की तो 78 यहाँ पे हो चुके हैं, 32 बार बैट फर्स्ट जीती है, बॉल फर्स्ट जो है 42 बार जीती है, एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल वो है वो 170 है, एवरेज सेकंड इनिंग टोटल 150 के करीब है। तो हाईएस्ट टोटल अगर हम देखें तो 263 है, लोएस्ट टोटल 82 है। तो ये थी कहानी पूरे ओवरऑल आईपीएल की। अब बात करते हैं 2019 में यहाँ पर क्या हुआ है। देखो 2019 में पहला जो मैच था इस सीज़न की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस और आरसीबी के अगेंस्ट, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई, लास्ट बॉल पे नो बॉल थी मलिंगा वाली, वो अंपायर्स ने दी नहीं और आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा, पर फाइट बहुत अच्छी हुई थी। मैच देखो यहाँ पर नेल बाइटर्स होते हैं, जब भी चिन्नास्वामी स्टेडियम पे मैच होता है तो कहीं ना कहीं लास्ट बॉल तक मैच जाता है। एक आध मैच ही था जो एक तरफा गया, बाकी सारे के सारे मैच अगर हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुए हैं। यहाँ पर 4 मैचेज हुए हैं, चारों में से एक थोड़ा सा बिल्कुल सीधा सीधा चला गया दिल्ली कैपिटल्स वाला, बाकी तो ज़बरदस्त मैचेज हुए हैं। आरसीबी कैसी भी टीम हो, चाहे हार रही हो चाहे कुछ हो गई, पर एक्साइटमेंट वाले जो मैच है, जो थोड़े से मैच में मज़ा आता है, वो वाले मैच वो प्रोवाइड जरूर कर रही है। तो अगर हम देखें आरसीबी ने जो फाइट करी थी 181 रन बनाए थे, देखो सबसे पहले बॉलिंग में चहल ने 4 विकेटें ली, सिराज ने और उमेश यादव ने 2-2 विकेटें ली, फिर आरसीबी बैटिंग करने आई, 70 रन बनाए डिविलियर्स ने, 46 रन करे विराट कोहली ने। देखो जब भी दोनों इस वाले ग्राउंड पे बहुत हमने देखा है कि एबी डिविलियर्स और कोहली की पार्टनरशिप चलती रहती है, तो इन दोनों को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आज के मैच में, और खासतौर से ड्रीम इलेवन पर तो हद क्रेडिट हाई है आज के मैच में। कहीं ना कहीं गेल, केएल राहुल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, इन चार में से किसी एक प्लेयर को आपको अपनी टीम से हटाना होगा ही, वरना आप एक ठीक ठाक ढंग की टीम नहीं बना पाओगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस बॉलर के साथ करना पड़ेगा। वहीं अगर हम देखें बुमराह ने 1-3 विकेट और मार्कंडे की विकेट थी, अगला जो मैच था उसमें आरसीबी ने 205 रन कर दिए थे, कहीं ना कहीं जो कि ठीक ठाक स्कोर था जो कि डिफेंड कर सकते थे। विराट कोहली के 84 थे, एबी डिविलियर्स के 63, फिर आप देख सकते हो दोनों के दोनों एक साथ चले हैं। फिर मार्कस स्टोनिस के 28 थे, नीतीश राणा, नारायण और कुलदीप यादव की 1-1 विकेट थी। केकेआर बैटिंग करने आई, लास्ट तक मैच एक तरह से अगर हम देखें तो हाथ में नहीं था केकेआर के, पर आंद्रे रसल के 13 पे 48 जो रन थे वो 5 बॉल पहले ही मैच खत्म हो गया। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने हिटिंग करी। लिन ने 43 करे, नीतीश राणा के 37 थे, सैनी और पवन नेगी ने 2-2 विकेट ली और चहल ने 1 विकेट ली थी। तो ये थी दूसरे मैच की कहानी। तीसरा मैच जो यहाँ पर हुआ था वो हुआ था आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स का, ये बिल्कुल सीधा चला गया क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के खगीसु रबाडा ने जो है ना बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 4 विकेट उन्होंने ली, क्रिस मॉरिस ने 2 विकेट ली, विराट कोहली के 41 जरूर थे, मोइन अली के 32 थे, पर 150 के करीब ही रन बनाए थे, जो कि कहीं ना कहीं इस वाले ग्राउंड के ऊपर कभी भी डिफेंडिंग टोटल नहीं होता, इतना छोटा स्कोर इस वाले ग्राउंड पर आराम से चेज होता है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने करके दिखाया। 152 रन, 6 विकेट खो करके अय्यर के 62, पृथ्वी शॉ के 28 रन, 6 चौके शायद या 5 चौके आराम से पृथ्वी शॉ ने यहाँ पर मारे थे टीम सऊदी के ओवर में। फिर यहाँ पर हम देखें नवदीप सैनी ने 2 विकेट ली थी और मोइन अली ने 1 विकेट ली थी। तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स वाले मैच की कहानी। अगला जो मैच था ये सबसे एक्साइटेड मैच भी आप कह सकते हो, इस टूर्नामेंट का भी कह सकते हो, क्योंकि आरसीबी ने 161 रन करे, जो कि सीएसके के लिए कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि हम चेस कर लेंगे आराम से इसको, पर शुरुआत में बहुत झटके दिए आरसीबी ने सीएसके को। से पहले अगर आरसीबी की बात करें तो यहाँ पर पटेल ने 57 करे, मोइन अली ने 26 करे, दीपक चहर, ब्रावो, जडेजा सब
ने दो दो विकेटें ली और ताहिर ने एक विकेट ली। फिर सीएसके बैटिंग करना है। शुरुआत में डेल स्टेन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उमेश यादव ने ही बॉलिंग करी, चार विकेटें जल्दी जरूर गिर गई थी, पर राइडू और एमएस धोनी को कुछ और गवा रहा था। एमएस धोनी जब भी इस वाले ग्राउंड पर खेले ना तो वो हमेशा रन बनाते हैं, दो तीन स्टेडियम से बाहर छक्के मारते हैं, तो ये याद रखना। तो एमएस धोनी ने 84 रन इस मैच में भी कर दिए थे, राइडू ने 29 रन करे थे। स्टेन उमेश यादव की दो दो विकेटें थी और चहल और सैनी की एक विकेटें थी, और लास्ट में एक बॉल पर दो रन चाहिए थे। उमेश यादव 25-26 रन खा चुके थे पहली चार पांच बॉलों पर, और फिर जो पार्थिव पटेल ने रन आउट किया, तो पार्थिव पटेल का ही दिन था कुछ आप तरह से कह सकते हो। और आरसीबी ने मैच जीता। देखो ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आरसीबी सब कुछ झोंक देगी अपना, तो कहीं ना कहीं अगर आप टीम सोच रहे हो तो आरसीबी के आज मेरे हिसाब से पलड़ा भारी होगा, क्योंकि सब कुछ लगा देगी वो। बस गेल और केएल राहुल के ऊपर मैच डिपेंड करता है किंग्स इलेवन पंजाब का। अगर ये दोनों एक साथ चल गए तो फिर आरसीबी को जीतने हारने से कोई नहीं रोक सकता है। खैर वेदर अगर हम देखें तो पार्टली क्लाउडी है, बारिश वारिश नहीं होगी, पूरा मैच हमें देखने को मिलेगा। लास्ट मीटिंग इन दोनों टीमों की अगर हम देखें इस वाले टूर्नामेंट में, एक मैच हो चुका है जो कि पीसीए स्टेडियम या फिर आईएस बिंद्रा स्टेडियम आप कह सकते हो पंजाब में, जो कि मोहाली में हो चुका है, जिसमें 173 रन करे थे और क्रिस गेल ने दिखाया भी था कि वो क्यों इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं। 99 रन उन्होंने करे थे, एक रन से चूक गए थे 100। केएल राहुल के 18 थे, ये चहल की दो विकेटें थी, सिराज और मोइन अली की एक विकेटें थी। वे लास्ट में थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी आरसीबी ने, जिसमें 173 तक ही पहुंच पाई किंग्स इलेवन पंजाब। आरसीबी ने आराम से चेस कर लिया था। अगर हम देखें विराट कोहली एबी डिविलियर्स, फिर दोनों एक साथ चले, 67 रन उन्होंने विराट कोहली ने बनाया, एबी डिविलियर्स ने 59, एबी डिविलियर्स मैन ऑफ द मैच थे। अश्विन और शामी की एक विकेटें थी। अगला जो अब बात करते हैं 2018 में जब ये दोनों टीमें बैठी थी तो क्या हुआ था। देखो 2018 में यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब तब गेल को खिला नहीं रही थी उस टाइम तक, और पहला लगभग दूसरा ही मैच था ये आईपीएल का इनका, किंग्स इलेवन पंजाब का आरसीबी के अगेंस्ट इस सीज़न में, शुरुआत का ही का कुछ था, जिसमें केएल राहुल ने 47 कर दे, बहुत तेज़ शुरुआत दे दी थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत स्कोर जाएगा, पर नीचे इनकी विकेटें गिरी और वो ज़्यादा विकेटें गिर गई, जिसमें उमेश यादव की 3 विकेटें थी, चहल की 2 थी, रविचंद्रन अश्विन ने 33 रन करते 155 पे ऑल आउट हो गए थे। आरसीबी ने आराम से चेस कर लिया, जिसमें एबी डिविलियर्स के 57 थे, क्विंटन डिकॉक के 45 थे, रविचंद्रन अश्विन की 2 विकेटें थी, मुजीबुर रहमान और अजय टाइके की विकेटें थी। तो लगभग सारे मैचेस में एबी डिविलियर्स का नाम जरूर आ रहा है, तो एबी डिविलियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी आप कह सकते हो, और अगर उनसे भी कोई बड़ा प्लेयर मैं मानता हूं तो वो विराट कोहली है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो विराट कोहली को तो गलती से भी नहीं छोड़ना है। तो बचेगा कौन छोड़ने वाला, वो हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन में। वहीं अगर हम बात करें तो टोटल आईपीएल मैचेस की, इन दोनों टीमों को जब हेड टू हेड हुआ है तो 23 हुए हैं, 11 बार आरसीबी, 12 बार किंग्स इलेवन पंजाब, तो 12 बार किंग्स इलेवन पंजाब जीते। चिन्नास्वामी में बराबर चल रहा है, 5-5 का यहाँ पर चल रहा है, दिल्ली कैपिटल्स लिखा है पर किंग्स इलेवन पंजाब है ये, ठीक है। तो किंग्स इलेवन पंजाब का यहाँ पे 5-5 बराबर है आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब, तो पलड़ा कहीं इधर उधर नहीं झुक रहा है, पर क्योंकि ये लॉकआउट मैच रहेगा तो सब कुछ विराट कोहली की टीम झोंक देगी। प्लेइंग इलेवन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे पार्थिव पटेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, टॉइनिस, फिर आप देख सकते हो मोइन अली, अक्षदीप नाथ, पवन नेगी, फिर आप देख सकते हो नवदीप सैनी, डेल स्टेन, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव ही खेलेंगे जहाँ तक लगता है, और युजवेंद्र चहल। तो ये इनकी प्लेइंग इलेवन रहने वाली है। किंग्स इलेवन पंजाब की अगर हम बात करें तो केएल राहुल, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह नंबर 4 पर आ सकते हैं, नंबर 5 पर तो आ ही सकते हैं। फिर अगर हम देखें यहाँ पर डेविड मिलर है, निकोलस पुरन है, हार्डस विलियन में से कोई खेलेगा मुझे लगता है, विलियन को मौका मिलेगा, फिर रविचंद्र अश्विन है, सैम करन है, फिर आप देख सकते हो मोहम्मद शमी है, हरप्रीत बरार है, या फिर अर्शदीप सिंह है, इन दोनों में से कोई एक यंग प्लेयर आपको खेलता हुआ नजर आएगा जो कि अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि हर्षदीप बरार अगर खेलते हैं तो 7.5 क्रेडिट के प्लेयर हैं। तो हम गेल और विराट कोहली हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए और केएल राहुल हो गए, चारों को इंक्लूड कर पाएंगे अगर हर्षदीप बरार खेलते हैं, क्योंकि एक 7.5 क्रेडिट वाला हम अगर प्लेयर ले रहे हैं तो शायद अब टीम बन सकती है। पर जो भी है वो अभी ड्रीम इलेवन में बात करेंगे, मुरुगन अश्विन नीचे आप अगर हम देखें। अब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में देखें तो विराट कोहली, केएल राहुल, एबी डिविलियर्स, चहल, गेल, वही मैंने प्लेयर लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहीं अगर हम ग्रैंड लीग की बात करें तो पार्थिव पटेल को बहुत अच्छा ऑप्शन आपको ट्राई कर सकते हो। स्टॉइनिस है, लास्ट मैच उनका होगा शायद इस वाले टूर्नामेंट का भी, इसके बाद शायद जाएंगे। मोइन अली का भी कहीं ना कहीं लास्ट मैच हो सकता है। फिर आप देख सकते हो मयंक अग्रवाल और डेविड मिलर है। मेरे हिसाब से ये 5 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट आपको ग्रैंड लीग में कुछ ना कुछ दिखा सकते हैं। चलते हैं एक बार टेलीग्राम चैनल की तरफ। टेलीग्राम पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, लैंकेशन नॉट हैम्पटनशायर, अभी थोड़ी देर पहले अपलोड करी है सुबह सुबह बना करके, तो ये वाली वीडियो भी देखना, मिस मत करना, देख लो ये वाली वीडियो, देख लेना, थोड़े से लाइक कर देना क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है अभी तक, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लिश ओडीआई कप में, जितनी मैंने वीडियोज़ दी हैं ठीक परफॉर्म किया उन्होंने, तो आप जा करके देख सकते हो और एक अच्छी टीम बना सकते हो। और बाकी टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। तो चलते हैं बट ड्रीम इलेवन टीम की तरफ और टीम बना लेते हैं। तो आ गए हैं ड्रीम इलेवन पे, आप देख सकते हो यहाँ पे आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब का मैच मैं दूंगा। उससे पहले अगर बात बता दूँ
तो नॉर्थहैम्प्टनशायर और लैंकाशायर का आज इनके 4 मैचेस होने हैं इंग्लिश ओडीआई कप के। एक मैच अपलोड हो चुका है जैसा कि आपने टेलीग्राम चैनल पे भी देखा, ऊपर आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा, लिंक यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो या फिर लास्ट में आपके स्क्रीन पर भी नजर आएगा उस पर भी क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो इस वाले मैच को। अच्छी खासी टीम बनी है, RCB और किंग्स इलेवन पंजाब का जो मैच है उसको हम देख लेते हैं क्या टीम मैंने बनाई हुई है। तो एक बार टीम अगर हम देखें तो क्या है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। देखो केएल राहुल लोकल प्लेयर हैं, यहाँ पे बहुत खेले हुए हैं, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। IPL में शायद ना रही हो उतनी परफॉर्मेंस क्योंकि RCB के लिए इतने ज़्यादा मैच खेले नहीं, पर यहाँ पे रन्स कर सकते हैं, जो जो पिच है ये सूट कर सकती है। अभी रिसेंटली कुछ IPL से कुछ एक सीरीज़ अगर आपने देखी होगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था, यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने, 50 के करीब रन बनाए थे। तो KL राहुल मेरे हिसाब से आज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो अगर छोड़ना है तो आप KL राहुल को छोड़ भी सकते हो क्योंकि इनके इनकी जगह अगर हम देखें तो पार्थिव पटेल हैं जो कि एक सॉलिड प्लेयर है, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दे रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं विराट कोहली के साथ। तो विराट कोहली की अगर आप चाहो तो यहाँ पर जा सकते हो, देखो पार्थिव पटेल के साथ ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अभी तक तो यहाँ पे KL राहुल को मैंने लिया, मुझे आज लग रहा है रन्स करेंगे कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं विराट कोहली की, तो नहीं छोड़ना है इनको। देखो क्रिस गेल को मैंने छोड़ दिया, बहुत बड़ा रिस्क है, 100 भी बना सकते हैं, 130 रन भी मार सकते हैं आज के मैच में, कुछ भी हो सकता है। तो एक रिस्क लिया सीधा सीधा। मैं अगर आपको बोलूँ तो इन 4 प्लेयरों का नाम एक पर्ची में लिखना और एक पर्ची उठा लेना, जिसमें से देखना जो आपकी एक पर्ची मिली है उसको छोड़ देना अगर लक पे आपको डिपेंड करना है, क्योंकि मुश्किल है किसको छोड़ें किसको ना। तो AB de Villiers, विराट कोहली, चिन्ना स्वामी मैं छोड़ता नहीं, क्रिस गेल है। अब देखने वाली बात होगी कि डेल स्टेन की विकेट लेते हैं या नहीं लेते या फिर पिटाई होगी, तो एक तरफा मैच हो जाएगा अगर गेल चल गए तो, और हमारी टीम में नहीं हुए। फिर भी कोशिश मैं करूँगा टॉस के बाद थोड़े बहुत फेर बदल करूँ, आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर ही दूंगा। और यहाँ पर मयंक अग्रवाल को मैंने लिया, ये भी लोकल प्लेयर है, मयंक अग्रवाल भी यहाँ पर बहुत खेले हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें करुण नायर भी यहाँ पर वो खेलेंगे नहीं। मनदीप सिंह को मैंने लिया हुआ है क्योंकि 8 क्रेडिट वाले हैं और अच्छे प्लेयर हैं, ये रन कर सकते हैं। लास्ट मैच में ठीक इन्होंने परफॉर्म किया था, आप देख सकते हो 24 पॉइंट थे, तो इनको थोड़ी सी ऊपर भेजा जा सकता है क्योंकि सरफराज शायद नहीं खेलेंगे आज। अब 3 ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे अश्विन को लिया हुआ है, मोइन अली को लिया हुआ है और नीचे से मार्कस टॉइनिस को भी मैंने लिया हुआ है। अब चाहो तो सैम करन की तरफ जा सकते हो, पर वो बॉलिंग ही करेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें स्टॉइनिस तो वो बॉलिंग इतनी नहीं करेंगे पर जितनी बैटिंग करेंगे, तो असमंजस बनी हुई है। अब बॉलिंग की तरफ अगर हम चलें तो शमी को मैंने लिया हुआ, अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। डेल स्टेन ने अच्छा परफॉर्म किया जब से आए हैं, और नीचे से एक तेज तरीन बॉलर जो कि 150 किलोमीटर पर आर फेंक सकते हैं जो कि है नवदीप सैनी, ये भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो इनको मैंने लिया। ये 3 बॉलर हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आप कोशिश कर सकते हो अश्विन की जगह ले सकते हो चहल जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, चिन्ना स्वामी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, पर फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग RCB हो जाएगी, 7-7-4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टीम लगभग बराबर है। मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ एक ये रिस्क लिया अश्विन को मैंने इसलिए लिया जिससे कि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा राइट बने और दिखने में थोड़ी टीम सही लगेगी। हाँ कि RCB के भी कुछ किंग्स इलेवन पंजाब के भी कुछ प्लेयर्स हमने लिए हैं। अब कंटिन्यू करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेते हैं एक बार, तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपके सामने ही है जैसे कि मैंने बोला, मुझे लगता है दोनों के दोनों परफॉर्म करेंगे। अब तीसरा जो ऑप्शन बच रहा है वो AB de Villiers बच रहा है, चौथा जो ऑप्शन बच रहा है वो क्रिस गेल बच रहा है, मैंने लिया नहीं है पर ये ऑप्शन जरूर है, ये कुछ भी कर सकता है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। मोइन अली की तरफ भी जा सकते हो क्योंकि थोड़ी बहुत बॉलिंग करेंगे और बैटिंग में भी रन ये कर रहे हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। मयंक अग्रवाल भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ग्रैंड लीग के ऑप्शंस मैंने आपको प्रीव्यू में दे दिए हैं, तो इतना था अभी तक के लिए। बाकी टेलीग्राम पर आपको फाइनल टीम मिलेगी, तब तक के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।